जी शाकिर भाई, यहाँ पर आप पनवलिया आए हुए हैं, लाइन ख़राब है पिछले काफ़ी घंटों से आंधी आने से तार की जम्पर उड़ गए हैं। अब ये विद्युत कर्मी जो हैं सारे लगे हुए हैं, हरीश भाई ऊपर चढ़े हुए हैं तार के, अभी कह रहे हैं आधे पौन घंटे में कम से कम बिजली चालू हो जाएगी, हम अपना काम तो पूरा कर सकते हैं। अब इनसे शिकायत करें, ये मौके पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, करें भी क्या। पब्लिक इतनी परेशान है कि एक तो लाइट नहीं है, चेकिंग भी है, सप्लाई भी नहीं मिल रही है, FIR भी हो रही है, घर घर चेकिंग भी हो रही है। अब इसको क्या कहें और क्या नहीं कहें, व्यवस्था जो भी है सबके सामने है, सामने वहाँ सब कुछ हो रहा है, तो हमें लाइट की सप्लाई मिल जाए, आदमी को सड़क पर आ जाएगा तो लाइट आ रही है, वही तो बात है ना। अब इसमें क्या कहें, इसको इत्तेफाक कहें क्या कहें, इत्तेफाक कहें क्या कहें। अच्छा, रात का 1 बज रहा है और बिजली विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइन संभालने पे लगे हैं, अभी पीछे से भी संभालते आ रहे हैं, पेड़ अपना काम कर रहे हैं बेचारे, वो भी क्या कर रहे हैं, आंधी आ गई, पेड़ वेड़ भी काटे हैं पीछे, कुछ पेड़ गिर गए थे लाइन पे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे विद्युत विभाग के लिए, आप बेचारे कर्मचारी मेहनत तो कर रहे हैं भाई, जैसे चेकिंग में मेहनत कर रहे हैं वैसे यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं, सही बात है। बस अब ये सप्लाई की बात यह है कि आंधी की वजह से रुकी हुई है, बाकी अगर बुझी अपना काम तो बखूबी निभा रहे हैं। सप्लाई कहाँ तक बने, सप्लाई हमारे इधर देखिए, थोड़ा कैमरे की जरूरत है, पनवाड़िया फीडर पूरा बन गया, पनवाड़िया फीडर पूरा बने। अच्छा, और हम इनको कोई आरोप लगाएं तो ये मौजूद है मौके पर, कहीं भी क्या काम तो कर रहे हैं। सवाल जी, कौन से वार्ड से हैं, 36 गुजर टोला।